सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी रिसेंट में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में, वो आखिर में हुआ कैसे है, किसकी गलती है। कहा तो ये जा रहा है कि भाई एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं भाई गलती किसकी हो सकती है और क्या रहा होगा। क्या वो लोको पायलट्स की गलती, क्या वो सिग्नल की गलती थी, क्या था भाई, हम लोग थोड़ा सा उसको दोबारा से रिक्रिएट करके देखने वाले हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि वो गलती किसकी रही होगी। मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, अगर मैंने बोल दिया तो भाई कई बड़ी बात ना बन जाए वो, इसलिए हम लोग देखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस गेम प्ले को बिना किसी टाइम वेस्ट के। लेट्स स्टार्ट यार। कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो ट्रेन जो है जा रही थी लेकिन उसको जो है सिग्नल नहीं मिला। तो मतलब वो ऐसे ही जैसे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेन जो है इसको येलो सिग्नल मिला हुआ है, तो वो धीरे धीरे जाके जो है रेड सिग्नल के पास जाके खड़ी हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेशन पे, मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा तो नहीं हुआ है स्टेशन पे, तो नहीं हुआ, मतलब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो जाके जो अपने रेड सिग्नल पर रुक जाती है, ठीक है। जैसे कि अब मैं इस ट्रेन को रोकने वाला हूँ, और अगर आपको एक गेम प्ले पसंद में आता है ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिए, बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, और कमेंट्स में बताना यार गलती किसकी रही होगी, ठीक है। तो आज का जो लोकोमोटिव हम यूज़ कर रहे हैं भाई वो है वैम वन, और भाई जो है ICF कोचिस। और ये देख सकते हो ऐसे उस इस ट्रेन को जो है रेड सिग्नल मिला, आकर के ये रुक गई, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इनका डाउनलोड लिंक तो मैं आपको बता दूंगा यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहते हो अगर इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो भी मुझे बताना कमेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेन है वो ऐसे जो है धीरे धीरे आकर के रुक जाती है अपने रेड सिग्नल से पहले, जैसे कि अब यहाँ पे आप रोकने वाले हैं। तो ये देख सकते हो ट्रेन जो है रुक चुकी है, आके थोड़ा सा और आगे जाके रुकाएंगे, बस यहाँ पे स्टॉप कर देंगे हम गाड़ी को। ये देख सकते हो आप ट्रेन जो है रुक चुकी है। और किसको क्या पता था भाई इसके अंदर जो ट्रेन के अंदर बंदे थे कि आगे क्या होने वाला है। लास्ट के जो है दो डब्बे जो है क्रैश हो जाते हैं ट्रेन के, और हम यहाँ पे देख सकते हो ट्रेन रुक दी है। और जो पीछे वाली दोनों ट्रेन जो है ना पैसेंजर ट्रेन थी जो कि रुक रुक के चलती हैं, तो ये देख सकते हो रेड सिग्नल पर रुक गई गाड़ी, ठीक है। और लोकोमोटिव खड़ा हुआ था आगे, जो लोको पायलट्स हैं वो तो भाई आराम से ट्रेन को रोक लिए थे ला करके। अब हम वो देखने वाले हैं जो पीछे वाली ट्रेन ने करा है, ठीक है। चलो वो ट्रेन थी ये, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि वो भी पैसेंजर ट्रेन थी ICF, और वो भी जो है आ रही थी, ठीक है, पीछे से। अब क्या हुआ वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो अभी जो है हम इसको पूरी स्पीड में ले जाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई सिग्नल हमें तो दिखता है कि नहीं। देख सकते हो आप यहाँ पे डीजल लोकोमोटिव मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अपना WDM-1 है, सॉरी WDM-4 लोकोमोटिव, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट्स करना है जरूर से, ठीक है। और भाई इसके ट्रैक साउंड देख रहे हो कितने मस्त आ रहे हैं भाई, ICF ट्रैक साउंड लुक्स ऑसम। अब मैं आपको लोकोमोटिव के अंदर ले चलता हूँ। चलो यही है WDM-4, ये है फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव। देखो तो इसको ऐसे जो सिग्नल पूरा मिला हुआ था ट्रेन, तो ये तो अपनी पूरी स्पीड में जा रही थी गाड़ी, ठीक है। अब जो है मैं आपको इसके लोकोमोटिव के अंदर देखा जाता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा सा इंटीरियर व्यू। तो ये देखो तो ये इसका इंटीरियर व्यू, ये देखो तो भाई WDM-4 कैसा दिखता था आप यहाँ पे देख सकते हो अपने आपको के सामने, ठीक है। तो हमारे लोग पायलट उस ट्रेन को जो है लेकर के आ रहे थे फुल स्पीड में, तो कुछ ऐसा रहा होगा। तो जो जब ये ट्रेन उस सिग्नल के पास पहुंची जहाँ पे रेड या येलो सिग्नल होगा, तो उन्होंने सिग्नल को मुझे जहाँ तक लगता है ओवरशूट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो रेड सिग्नल था भाई, और ट्रेन नहीं रुकी, लोको पायलट को शायद सिग्नल नहीं दिखा, और जो सामने वाली ट्रेन थी जो कि है ये, इसमें दे मारी भाई। ये देख सकते हो इस तरह से, ये भाई ये सीन कुछ ऐसा हुआ होगा। ऑन द स्पॉट जो पीछे वाले लोको पायलट्स आ रहे थे ट्रेन को लेकर के, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई यार, और पीछे वाले कुछ जो है डिरेल हो गए, इसके भी डिरेल हो गए, लेकिन गेम के अंदर नहीं हुए हैं।
तो कुछ ऐसा सिनारियो बना होगा गेम, सॉरी रियल लाइफ में, और मैंने भी थोड़ा सा रिक्रिएट करने की कोशिश करी है। आप लोग मुझे कमेंट से बताना कि ऐसा ही हुआ या फिर कुछ और भी हुआ हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद में आई होगी। ये कोई गेम प्ले नहीं था, मतलब मैंने आपको रिक्रिएट करके दिखाया है बस थोड़ा सा सिनारियो क्या हुआ होगा उस टाइम। और अगर वीडियो पसंद में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट्स में बताना क्या हुआ यार उस टाइम। ठीक है, काफ़ी लोग जो है मारे गए, ठीक है, ट्रेन जो उस एक्सीडेंट में, तो उनकी आत्मा को शांति मिले यार, ठीक है सबको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए दोस्तों, और आने वाले टाइम में प्लीज़ ऐसे एक्सीडेंट ना ही हो तो जो है अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इस साल बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, छोटे एक्सीडेंट्स, बड़े एक्सीडेंट्स। कोरोमंडल आपको याद होगी, अब फिरोजपुर वाली एक ट्रेन थी उसके अंदर आग लग गई, अब एक ये ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, भाई कितने सारे ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं। मुझे लगता है नज़र लग गई है रेलवे को किसी की, है ना। बट यार होनी को कोल्ड टाल सकता है, ठीक है, जो होना है वो तो होएगा ही ना दोस्तों। तो ये एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ना ही हो हम लोग इस चीज़ का प्रे करते हैं, ठीक है। और आई होप आपको वीडियो पे अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक मैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। Grow and thrive. Audio Jungle.